कांग्रेस पार्टी द्वारा हाल ही में जारी इलेक्शन मैनिफेस्टो के विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री की टिप्पणी कि पार्टी का यह घोषणा पत्र मुस्लिम लीग के एजेंडे के ऊपर आधारित है अत्यंत खेदजनक, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य के पीछे लगता है कि उनकी सांप्रदायिक सोच है, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के इस इलेक्शन मैनिफेस्टो में सरकारी क्षेत्र में खाली पड़े 40 लाख पदों के ऊपर देश के बेरोजगारों को नियमित रोजगार देने की बात कही गई है। गरीब परिवार में से एक महिला को प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। मनरेगा की दिहाड़ी जो है बढ़ाकर 400 रुपए करने की बात कही गई है। अग्निपथ जैसी युवा विरोधी जो योजना है उसको बंद करके सेना में नियमित भर्ती पहले की तरह करने की बात कही गई है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात कही गई है। और जो युवा डिप्लोमा करते हैं उसके बाद जो इंटर्नशिप के लिए वो जाते हैं उसमें 1 लाख रुपए का स्टाइफंड प्रतिवर्ष उनको देने की बात कही है। इसी प्रकार से जो आज देश के अंदर दल बदल चल रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ है उसको और सख्त करने की बात कही गई है। अनेक सुधार करने की बात कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कही है और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कोई ना कोई प्रावधान किया है और राहत देने की बात जो है वो कांग्रेस पार्टी ने की है। और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को किस तरीके से ये मुस्लिम लीग का एजेंडा नजर आया ये समझना जो है वो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि संवैधानिक पद पर और श्रेष्ठ पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह के वक्तव्य की अपेक्षा, उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने इस वक्तव्य से जहां चुनावी आचार संहिता जो है उसका उल्लंघन किया है, वहीं जो संविधान की भावना है उसको भी ठेस पहुंचाई है।